दिसंबर का महीना शुरू होते ही हर कोई क्रिसमस की तैयारियों में लग जाता है। हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस या बड़ा दिन का त्योहार मनाया जाता है। ईसाई धर्म में इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खुशियों से भरे इस फेस्टिवल को पूरी दुनिया में ही सेलिब्रेट किया जाता है। आज हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों क्रिसमस को केवल 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। क्रिसमस के 7 दिन बाद से ही नए साल का आगाज होता है। ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट को अपना ईश्वर मानते हैं। जीसस क्राइस्ट को वो ईश्वर का पुत्र मानते हैं। हर साल 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इस बात की पुष्टि बाइबल में नहीं मिलती कि ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ है। दरअसल शुरुआती दौर में ईसा मसीह के जन्म दिवस को लेकर ईसाई समुदाय के बीच काफी ज्यादा मतभेद भी था। किसी को ईसा मसीह के जन्म की तिथि के बारे में कुछ नहीं पता था। वहीं 336 ईसा पहले ईसाई रोमन सम्राट के समय पहली बार 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया गया था। इसके बाद पोप जूलियन से आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा कर दी कि ईसा मसीह के जन्मदिन को 25 दिसंबर को क्रिसमस के तौर पर मनाया जाएगा और बस तभी से 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म के दिवस के तौर पर क्रिसमस मनाया जाता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती रिपोर्ट।